तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल तुम सबके। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया हो गए। तो तुम सबका फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और बहुत ही बेहतरीन मोड वीडियो में, क्योंकि इस वाले वीडियो में तुम लोग लेके आ चुका हूँ हाउस बिल्डर वर्कर्स। लिटरली गाइस, तुम लोग यहाँ पे इस वाले वीडियो की मदद से अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हाउस बिल्डर वर्कर्स देखने को मिलने वाला गाइस, जो तुम्हारे घर चुटकियों में लिटरली चुटकियों में सिर्फ एक क्लिक में, एक से दो सेकेंड में तुम्हारा पूरा का पूरा घर बना के तैयार कर देने वाले हैं गाइस इस वाले मोड की मदद से। तो अगर तुम लोग जानना है कि तुम लोग यहाँ पे इस वाला ऑसम मोड को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, किस किस टाइप का फीचर्स तुम लोग देखने को मिलता है इस वाले मोड में, तो ये सब जानने के लिए सिंपली इस वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले तो तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ऑसम मोड का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सिंपली तुम लोग वहाँ पर जाओ, इस मोड को डाउनलोड करके सबसे पहले अपने माइनक्राफ्ट में इंपोर्ट कर लो। इसके बाद जो तुम्हारा वर्ल्ड है गाइस, उसे तुम लोग यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे तुम लोग नॉर्मल एक वर्ल्ड को क्रिएट करते हो। इसके बाद जो तुम्हारा रिसोर्स पैक होता है और बिहेवियर पैक होता है, ये दोनों जगह जाना है सिंपली तुम लोग को। और ये जो एड ऑन है इसे तुम लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है। फिर जो एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन होता है उसे इनेबल करने के बाद सिंपली जो तुम्हारा वर्ल्ड है गाइस, उसे तुम लोग को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो गाइस जब तक कि वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, तब तक तुम लोग इस वीडियो कर दो लाइक। अगर तुमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, जाके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलरली माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ऐसे ऑसम वर्ड्स और वीडियोस लाता रहता हूँ। इसके बाद जो तुम्हारा वर्ल्ड है गाइस, वो तुम लोग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसका सबसे पहले तुम लोग को यहाँ पे जो तुम्हारा वर्कर्स होगा उसे तुम लोग यहाँ सबसे पहले क्राफ्ट करना होगा गाइस। उसका मतलब उसका स्पॉनिंग तुम लोग यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उसे सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे क्राफ्ट कर लेना होगा। उसे क्राफ्ट करने के लिए तुम लोग यहाँ पे सिर्फ लेदर का एक मतलब तुम लोग यहाँ पे लेदर की जरूरत पड़ने वाला है, तुम लोग यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत पड़ने वाला है, और तुम लोग को यहाँ पे पड़ने वाला आर्मर स्टैंड का जरूरत। ये तीनों आइटम्स को लेकर सिंपली तुम लोग यहाँ देख सकते हो इस वाले मतलब वर्कर क्राफ्टिंग रेसिपी। सिंपली तुम लोग यहाँ पे लेदर को कुछ इस तरह से किनारे किनारे रख देना जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और बीच में तुम लोग यहाँ पे एक आयरन जो तुम्हारा आर्मर स्टैंड उसे तुम लोग यहाँ पर रख देना है। इसका जो तुम्हारा वर्कर है वो तुम लोग यहाँ पे क्राफ्ट होकर रेडी हो जाएगा। इसको ऐसे स्पॉन करने के लिए सिंपली तुम लोग यहाँ पे इसे अपने हाथों पकड़ो और स्क्रीन पर होल्ड करके रखो। जैसे तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन पर होल्ड करके रखोगे, जो वर्कर तुम्हारे सामने ऑटोमेटिकली स्पॉन हो जाएगा। एक बार वर्कर स्पॉन करने के बाद तुम लोग यहाँ पे इसके साथ एक बार इंटरेक्ट करना होगा। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो नीचे बटन आ रहा है इंटरेक्ट का, सिंपली तुम लोग इस पर जाना है, एडिट डायलॉग पर जाना है, तुम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसका तुम लोग यहाँ पे गाइज तीन टाइप का हाउस तुम लोग यहाँ पे अभी मतलब जो अभी मतलब इसका वर्जन है उससे यहाँ पे तुम लोग तीन टाइप का हाउस तुम लोग यहाँ पे इससे बनवा सकते हो। सिंपली तुम यहाँ पे कोई सा भी हाउस चूज कर लो, उसके बाद तुम लोग सामने एक ब्लू मैप आ जाएगा, मतलब ब्लू प्रिंट आ जाएगा तुम्हारा घर जो है वो यहाँ पे किस एरिया में बन रहा है तुम लोग आप देख सकते हो। इसके बाद अगर तुम लोग फिर से इंटरेक्ट पे क्लिक करोगे, एडिट डायलॉग पे जाओगे, तुम्हारे सामने ऑप्शन है कि तुम लोग यहाँ पे किस टाइप का घर बनाना चाहते हो, लाइक घर का कलर क्या होगा। और अगर तुम लोग चाहो तो अपना घर का जो लोकेशन है उसे तुम लोग यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हो गाइज। सिंपली तुम यहाँ से कोई सा भी कलर चूज करो, जो भी कलर का घर तुम लोग आप चाहते हो। इसके बाद ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा घर है गाइज, एक सेकेंड में नहीं लगने वाला गाइज, एक सेकेंड के अंदर ही तुम्हारा जो घर है पूरा पूरा बन के रेडी हो जाएगा। तुम लोग आप देख सकते हो गाइज कि कितना ज़्यादा आसानी से, मतलब कितना ही ज़्यादा आसानी से मैंने यहाँ पे इतना बड़ा घर, लिटरली इतना बड़ा घर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेकंड में स्पॉन कर लिया गाइज। मतलब कितना फास्ट वर्कर से ये लोग है तुम लोग आप देख सकते हो। और तुम लोग यहाँ पे बाहर से तो इसका लुक देखो इतना ऑसम है ही, लेकिन अंदर से तुम लोग चाहो तो इस वाले घर को अपनी मर्जी से, लिटरली अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहो उस तरह से तुम लोग यहाँ पे इसे कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज कैसे करना है मैं तुम लोग आप दिखा देता हूँ। जैसे तुम लोग यहाँ पे घर के अंदर जाओगे, तुम लोग सामने एक और वर्कर दिखेगा। जैसे तुम लोग यहाँ पे इस वर्कर के साथ इंटरेक्ट करोगे, तुम्हारा जो फ्लोर का मतलब तुम यहाँ पे फ्लोर बनवा सकते हो इस वाले वर्कर से। देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे ट्रैक पे जाना है, एडिट डायलॉग पे जाना है, तुम लोग आप चूज कर सकते हो कि किस टाइप का फ्लोर तुम लोग चाहिए, वुल का चाहिए, ब्लैंक का चाहिए, स्टोन का चाहिए। मैंने यहाँ पे स्टोन चूज किया, और स्टोन के अंदर भी देख सकते हो मुझे यहाँ पे इतना सारा ऑप्शंस मिल रहा है कि किस टाइप का स्टोन का मुझे चाहिए यहाँ पे। सिंपल जो जिस टाइप का तुम लोग फ्लोर यहाँ पे बनाना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लो, थैंक्स पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा फ्लोर है वो तुम्हारे यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो तुम्हारे घर में रूम्स है गाइज, सारे रूम्स में तुम लोग यहाँ पे एक एक वर्कर देखने को मिलने वाला है, जो तुम्हारा वॉल को बनाने में हेल्प करने वाला है। लाइक किस टाइप का वॉल तुम लोग को चाहिए, उसका कलर क्या होगा, सारा का सारा चीज तुम लोग यहाँ पे कस्टमाइज करवा पाओगे गाइस, वो भी सिर्फ एक क्लिक में, तुम लोग यहाँ पे खुद ही देख ही सकते हो गाइस। और जैसे तुम लोग यहाँ पे इस बार सीढ़ी की मदद से ऊपर जाओगे, तुम लोग यहाँ पे ऊपर में भी एक वर्कर देखने को मिल जाएगा, जो तुम्हारे ऊपर का फ्लोर को मतलब बनाने में हेल्प करेगा। लाइक जिस भी टाइप का तुम लोग यहाँ पे फ्लोर चाहिए उसे सेलेक्ट कर लो, थैंक्स पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा फ्लोर है वो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। और ऊपर में भी जितना सारा रूम्स है, सारे रूम्स का भी जो वॉल है उसे तुम लोग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे इन सारे वर्कर्स की मदद से। सिंपली वर्कर्स से क्लिक क्लोज जाओ,
इंटरेक्ट करो उनके साथ, जिस टाइप के तुम लोग यहाँ पे कलर चाहिए, जिस मटेरियल के तुम लोग यहाँ पे वॉल चाहिए, सिंपली उसे चूज कर लो, तुम्हारे घर बन के फुल्ली रेडी गाइज, वो भी सिर्फ कुछ सेकेंड्स में गाइज, तुम लोग यहाँ देख ही सकते हो, तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि इस साल मोड की मदद सिर्फ 5 से 10 सेकेंड में, लिटरली 5 से 10 सेकेंड में तुम्हारे यहाँ पे इतना बड़ा घर बन के रेडी हो जाएगा, वो फुल्ली कस्टमाइजेशन, तुम लोग जिस तरह का चाहो घर उस तरह का बना सकते हो गाइज इस साल मोड की मदद से। लिटरली सारा सारे रूम का वॉल्स को, फ्लोर को तुम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो गाइस इस वाले मोड की मदद से। और जैसा कि मैंने तुम लोग बताया कि इस वाले मोड का डाउनलोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिंपली तुम लोग यहाँ पे जाओ इस वाले ऑसम मोड को डाउनलोड करो और मजे करो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।